नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिका ने भारत को बताया साझेदार, कहा मोदी और ओबामा ने दोनों देशों के रिश्तों को ऊंचाई पर पहुंचाया। पाक को आतंकवादी समूहों में फर्क न करने की दी कड़ी नसीहत। भारत अफगान की नजदीकी से पाक की उड़ी नींद, कहा दोनों मुल्कों के बीच कोई भी सहयोग उनके देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अफगान बलों को प्रशिक्षण दे रहा है भारत। सिंगापुर के सड़कों पर उतरी पहली चालक रही टैक्सी। कंपनी न्यूटोनोमी ने आम लोगों के एक समूह को रोबो टैक्सी की मुफ्त यात्रा के लिए किया आमंत्रित। 2018 में लॉन्च होगी रोबो टैक्सी। फ्रांस की खाड़ी में अपनी तरफ बढ़ रहे ईरानी युद्धपोत से बौखलाया अमेरिका। अमेरिकी युद्धपोत ने चेतावनी देने के लिए दागी गोलियां। ईरान की इस हरकत को असुरक्षित और गैर पेशेवर तरीका करार दिया। बेल्जियम के चिमय में स्पोर्ट्स सेंटर में विस्फोट, एक की मौत, चार घायल। विस्फोट के पीछे गैस रिसाव की जताई जा रही है आशंका। नेपाल के चितवन जिले में नदी में गिरी यात्री बस, 20 लोगों की मौत, 17 से ज्यादा घायल। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।